मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन। देखिए, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे उसके बाद वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे, और जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। इसके लिए एग्जाम्पल हमने रखा हुआ है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के लिए जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन की बात करेंगे तो 1s2, 2s2 और 2p3 भरा जाता है। तो मैं पहले उस कॉन्फिग्रेशन को लिख रहा हूँ, 1s2, 2s2 और 2p3, मतलब px 2px में एक इलेक्ट्रॉन, 2py में एक इलेक्ट्रॉन और 2pz में एक इलेक्ट्रॉन। यानी कि p ऑर्बिटल हमारे पास यहाँ पे तीन है, px, py और pz, तो उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में। इसकी जब MOT की बात करेंगे तो हमने कहा भी 1s के रेस्पेक्ट में हो गया, उसके बाद 2s, ठीक है, और 2p, यानी p ऑर्बिटल तीन होते तो हमने इस तरह का डायग्राम बना लिया, 2px, 2py और 2pz। इलेक्ट्रॉन फिल करिए, 1s2, 2s2, 2p3, यहाँ तक की बात हो गई। अब मैं बात कर रहा हूँ, भाई एक नाइट्रोजन एटम के लिए हमने इस तरह का रिप्रेजेंटेशन कर लिया, तो दूसरा भी तो नाइट्रोजन एटम होगा, तो उसके लिए भी 1s, 2s और 2p, p के वही तीन ऑर्बिटल, 2px, 2py, 2pz, दो दो इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दीजिए, इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो हैं, 1, 1, 1। मीन्स नाइट्रोजन और नाइट्रोजन एटम एक दूसरे से कंबाइन हुए तो किसी न किसी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, N2 मॉलिक्यूल। तो जब एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसके रेस्पेक्ट में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को कुछ इस तरह से बनाएंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ये एटॉमिक ऑर्बिटल जब दो एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो दो ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह से पी में, तो इसके लिए एक तो ऊपर बनाया जाता है और दो नीचे बनाए जाते हैं। ऊपर बनाएंगे वो सिग्मा 2pz, यानी कि एंटी बॉन्डिंग में चला गया सिग्मा 2pz, इसका हो गया नाम पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, पाई बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग सॉरी 2p, ये एक्स और ये वाई। तो इस तरह से इसके लिए देखिए तीन फिर से बनेंगे। तो हमने एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया और जो एटॉमिक ऑर्बिटल थे उनसे क्या बना लिया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो अब एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो, इलेक्ट्रॉन्स को दोबारा से फिल करेंगे, मतलब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इनसे इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। तो पहले इनके बारे में देखते हैं नाम किस तरह से लिखा जाएगा। इसका नाम हो गया बॉन्डिंग में एनर्जी कम है, एनर्जी अगर एवरेज एनर्जी से ज़्यादा हो जाती है तो उसको एंटी बॉन्डिंग बोला जाता है, और एंटी बॉन्डिंग के लिए हम साइन ये यूज करेंगे भी एंटी बॉन्डिंग। तो इसका नाम हो गया सिग्मा बॉन्डिंग 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, 2s है तो सिग्मा बॉन्डिंग 2s, सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्डिंग 2px, पाई बॉन्डिंग 2py। इसी तरह से ये हो गया आपका ये सिग्मा बॉन्डिंग 2pz, ये पहले काम में आ जाता है बॉन्डिंग में, इसलिए 2pz। नाइट्रोजन के केस में है ये ऐसा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फिल करिए, चार इलेक्ट्रॉन्स हैं, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो दोबारा से इनको फिल कर दिया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। इसी तरह से चार हैं, 1, 2, 3, 4 फिल कर दिया, तीन ये तीन ही, दीज आर द 6 इलेक्ट्रॉन। अब इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को दोबारा से फिल करेंगे क्योंकि लगभग इक्वल एनर्जी के ही हैं, ये एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, दोबारा से हमें फिल करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू। 6 को 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 मैंने फिल कर दिए। अब मेरे पास MOT आ गई किसकी, नाइट्रोजन की। तो इससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, सबसे पहले तो बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि भैया बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं,
कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो बिल्कुल सिंपल सा है कि बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। बॉन्डिंग में देखिए यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, सिक्स इलेक्ट्रॉन, मतलब जो एवरेज एनर्जी लेवल से कम होगा उनको बॉन्डिंग, और एवरेज एनर्जी लेवल से जिनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है उन ऑर्बिटल्स को एंटी बॉन्डिंग बोला गया। तो सिक्स टू और सिक्स टू, तो टोटल कितने हो गए अपने पास यहाँ पे टेन। तो टेन माइनस एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग वाले कैलकुलेट करते हैं, टू इलेक्ट्रॉन्स एंड टू इलेक्ट्रॉन्स, इसकी एंटी बॉन्डिंग अभी वैकेंट है तो इस वजह से हमने कितने रखे हैं फोर। तो मेरा आंसर यहाँ पे कितना आ जाता है, बॉन्ड ऑर्डर इसको सोल्व करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया थ्री, मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड क्या है भैया तीन, यानी यहाँ पे कितने बॉन्ड बने तीन बॉन्ड, तो बॉन्ड ऑर्डर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स का कितना हुआ थ्री हुआ। दूसरी इन्फॉर्मेशन हमें इससे क्या मिलती है, देखिए यहाँ कोई पैरा मैग्नेटिक आया क्या, मतलब कोई भी यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन आया क्या, अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाता तो नेचर हो जाती इसकी पैरा मैग्नेटिक, लेकिन यहाँ पे कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो इसका मतलब नेचर कैसी है इसकी डाया मैग्नेटिक, कैसी है नेचर डाया मैग्नेटिक। तो एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका हो गया कि एमओटी डायग्राम से हमें बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड आउट कर लिया और दूसरा इसकी नेचर को फाइंड आउट कर लिया कि पैरा मैग्नेटिक है या फिर डाया मैग्नेटिक है। अगर आपको और दिए जाएं, जैसे इस तरह के मॉलिक्यूल्स दिए जाएं, मैं यहाँ से लेके चल रहा हूँ डायरेक्ट ट्रिक आपके पास सोल्व करने की कि आप बॉन्ड ऑर्डर किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो और ये बॉन्ड ऑर्डर हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है, तो इस ट्रिक को ध्यान में रखेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन 10 आ जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन आपके पास 10 आ जाए, यानी ओवरऑल मॉलिक्यूल्स में, अब मेरे पास नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, नाइट्रोजन में सात और सात 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया तीन। तो हमें ऐसे मॉलिक्यूल्स दिए जाएंगे तो आप लोग बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हो। अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो ट्रिक हो गई आपकी ये, 10 इलेक्ट्रॉन है एक मॉलिक्यूल के अंदर तो बॉन्ड ऑर्डर उसका होगा आपका 1.0, 11 हो गया तो 1.5, 12 हो गया तो 2.0, ठीक है 13 हो गया तो 2.5, और नाइट्रोजन केस में हमने पढ़ी लिया 3.0, इसके रेस्पेक्ट में चलिए आप वापस से कम कर दीजिए 2.5, 2.0, 1.5, 1.0, यानी बॉन्ड ऑर्डर का बिल्कुल सिंपल सा तरीका हो गया कि बॉन्ड ऑर्डर हम अगर फाइंड आउट करेंगे तो इस टेबल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर मुझे नाइट्रोजन का पता है, भाई नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन 14, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा इसका 3, लेकिन 15 इलेक्ट्रॉन करने तो N2 नेगेटिव, नाइट्रोजन नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन हमने और ऐड कर दिया तो इलेक्ट्रॉन हो गए 15, 15 का बॉन्ड ऑर्डर हो गया। 16 इलेक्ट्रॉन है, जैसे N2 2 नेगेटिव कर दिया, 16 इलेक्ट्रॉन में कितना होगा 2 आएगा। ऐसे ही हम अगर ऑक्सीजन का केस देखेंगे तो ऑक्सीजन में देखिए कितना हो गया अपने पास 8 और 8 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 2। बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। अगर इस तरह से मैं लिखता हूँ N2+, क्योंकि आज N2 की बात कर रहे हैं, तो N2+ नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने थे 14 थे, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन कितने बचे 13, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया अपना 2.5। लेकिन अगर मैं इसमें ऐसा करूं N2 2+, तो इसका मतलब क्या हुआ दो इलेक्ट्रॉन और बाहर निकाल दिए, तो बॉन्ड ऑर्डर देखिए 16 के रेस्पेक्ट में तो क्या आ रहा है 14 थे दो 12 के रेस्पेक्ट में कितना आ रहा है 2। यानी बॉन्ड ऑर्डर हम इस ट्रिक से फाइंड आउट कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स के रेस्पेक्ट में, कितना आसान है बिल्कुल आसान है। अब बात कर रहे हैं किसकी कि हमें इस बॉन्ड ऑर्डर से क्या पता चलेगा, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। ये क्वेश्चन बन गया आपका भैया, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा फाइंड आउट करेंगे, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा आएगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे टेबल में मैं बात करूँ कि N2 मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल है या फिर N2 2 नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल है, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 और इसका कितना दिख रहा है अपने को 2.5, तो इसका मतलब क्या हो गया नाइट्रोजन ज़्यादा स्टेबल है, और इससे भी ज़्यादा स्टेबल क्या है अपने पास N2 2 नेगेटिव, ये अपने पास लेस स्टेबल हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर से स्टेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बात ध्यान में रखेंगे बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, दूसरी बात जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा
उस मॉलिक्यूल की या उस आयन की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। इट इज ऑल फॉर नाइट्रोजन रेस्पेक्टिव, मीन्स ये नाइट्रोजन के बारे में है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ऑक्सीजन की बात करेंगे फर्दर, फिर कभी कंपाउंड्स की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, आप लोग इसको सीखिए, काफ़ी आसान है ट्रिक, बस इस ट्रिक को सीखिए, ये तो बिल्कुल आसान है। तो डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड ऑर्डर से आप लोग क्या निकाल सकते हो, स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये बात करें भाई इन कौन सा स्टेबल है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.0, तो ऑब्वियसली सी बात है N2+ ज़्यादा स्टेबल है किससे, N2 2+ से।